ये मेरे 2010 की वैगनर है और आज हम दिखने वाले हैं कि टच स्क्रीन डिस्प्ले जो है ये मुझे कितने का पड़ा और उसके साथ साथ मुझे क्या क्या एक्सेसरीज मिले हैं। आप यहाँ पर देख लो, रिवर्स कैमरा भी है इसमें। क्लैरिटी देखो आप, कुछ इस तरीके से क्लैरिटी मिलती है। और पहले जो था यहाँ पर आप देख लो, ये सीडी प्लेयर मान लो या आप डीवीडी प्लेयर मान लो, यहाँ पर देखो आप सीडी MP3 MVA और इसमें आउट का सपोर्ट देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो कुछ इस तरीके से छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता था। जो सीडी कैसेट मिलती थी ना, यहाँ पर आपको डाल सकते थे और गाना सुन सकते थे इसमें। और हाँ, USB का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता था, लेकिन इसके साथ ऐसे कनेक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख लो 12 वोल्ट 120 वाट का यहाँ पर सॉकेट दिया गया है। कुछ इस तरीके से अडेप्टर बिठाना पड़ता था और USB यहाँ पर जो है बिठाना पड़ता। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जुगाड़ था USB का। और दोस्तों चारों स्पीकर जो है इसमें मिल जाते थे 2010 में भी। इस MP3 प्लेयर के पीछे जो है कुछ इस तरीके से 4-5 पोर्ट रहते हैं। पुराने वाले जो मॉनिटर थे ना, तो उनके लिए ये पोर्ट था। ये जो दिख रहा है आपको ये मेन पोर्ट है, यहाँ पर पावर ऑडियो वीडियो सब यहाँ पर पोर्ट लगाए गए हैं और साथ साथ एंटीना का भी पोर्ट यहाँ पर जो लगाया जाता है। और ये स्क्रीन के पीछे भी सेम पोर्ट रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। हजार्ड लैंप बटाने के लिए आपको जो है छोटा सा पोर्ट दिया गया है जो कि यहाँ पर भी था। सेम चीज यहाँ पर लगती है, कोई कटिंग बिटिंग नहीं होती, एक ब्रैकेट छोटा सा आ जाता है। ब्रैकेट की प्राइस की अगर बात करें तो 500 से लेके 1000 रुपए तक ये मिल जाता था और ये सब इंक्लूड है। तो अभी पोर्ट देखते हैं हम कि कैसे बिठाया हमने। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और आप देख लो यहाँ पर पोर्ट कुछ इस तरीके से नजर आएंगे आपको। इन फिटिंग हो जाएगा भाई पूरा। कितने सारे वायर है भाई यहाँ पर। ये जो मेन पोर्ट है, पुरानी वाली वायर और ये नए वाली वायर। यहाँ पर AV पोर्ट है जो कि वीडियो के लिए, और एक्सटर्नल आप जो सोर्स बिठाना चाहते हो वो भी आप बिठा सकते हो। स्क्रीन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बात लुक आप देख लो, यहाँ पर पूरी ब्लैक लुक दी गई है। यहाँ पर माइक मिल जाता है और यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन भी दिया गया है, अगर कुछ मान लो प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पर मिल जाता है टच कंट्रोल। आपको यहाँ पर पावर बटन मिलेगा, होम बटन है, बैक बटन है, वॉल्यूम अप डाउन के लिए यहाँ पर बटन दिया जाता है और ये भी टच बटन है। एप्लीकेशन देख लो यहाँ पर। और ये जो स्क्रीन है वो अलग से आती है और ब्रैकेट जो है अलग से आता है। जब भी आप इंस्टॉल करने जाओगे ना तो वो सब चीज करके देंगे, वो भी देखते हैं। सबसे पहला तो है यहाँ पर देखिए आप माइक, कुछ इस तरीके से छोटा सा माइक मिल जाता है बात करने के लिए, कॉल उठाने के लिए। बैक कैमरा आप यहाँ पर देख सकते हो। बैक कैमरे की क्वालिटी भी देखो आप, कुछ इस तरीके से क्लैरिटी दिख जाएगी। इसमें आपको फंक्शन मिलेगा वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, एंड्रॉइड। और इसमें एप्पल कार प्ले नहीं मिलता है भाई, फोन लिंक है यहाँ पर और प्ले स्टोर भी यहाँ पर मिल जाता है। और इसकी मैं क्लैरिटी दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा 180p एट 60fps तक यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी है। और भाई चैनल पर अगर नहीं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। और आप वीडियो भी देख सकते हो, क्लैरिटी कुछ इस तरीके से मिलती है आपको और क्या ही अच्छी क्वालिटी निकल के आ रही है, बिल्कुल भी लैग नहीं है भाई स्क्रीन में। बात करते हैं USB ऑप्शन की, तो यहाँ पर USB कैसे लगता है। अगर पेनड्राइव में आपको गाना सुनना है तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्लो बॉक्स में सॉकेट देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से दो सॉकेट आते हैं, चार्जिंग के लिए और एक गाना सुनने के लिए। और अभी बात करते हैं बैक कैमरे की, तो यहाँ पर लाइनिंग देखने को मिल जाएंगी भाई, सेफ्टी लाइन्स। आपकी गाड़ी कितनी नजदीक है वो पता चल जाएगा, भले कि स्टेयरिंग से एडजस्ट करने वाली नहीं है। जैसे स्टेयरिंग हम घुमाते तो यहाँ पर आपको एरो घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। ये कौन से कंपनी का है, तो यहाँ पर बॉस मैन कंपनी है, लोकली है भाई, ज्यादा नहीं यूज करता तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैंने रिवर्स कैमरे के लिए खास मैंने लिया है, इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता इसका। और इसकी कीमत की अगर बात करूँ तो मैं 10,000 का मुझे पड़ा है ये सब चीज़ें, इसका ब्रैकेट, माइक, कैमरा और इसमें लाइट भी है भाई। और इसको लगाना काफी आसान है, एक घंटे में आपको काम हो जाएगा। रेगनर वाला बात करूँ मैं, और आप किसी भी गाड़ी में आप लगा सकते हो बिना स्पीकर के। ये 10,000 के प्राइस में नहीं मिलेगा, अगर आपको अलग से डलवाना पड़ेगा। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 2030 की है, बाद में आपको प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। अगले वीडियो में।